हाय फ्रेंड, वेलकम टू प्रो कैंडल लाइट चैनल। प्रो कैंडल लाइट चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ स्कैन ड्राइव फॉर एरर। स्कैन ड्राइव फॉर एरर बेसिकली होता क्या है और क्यों आपका लैपटॉप में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है नोटिफिकेशन बार में, इसके बारे में मैं फुल टू फुल डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब हम हमारा लैपटॉप का राइट हैंड कॉर्नर में जाते हैं नोटिफिकेशन बार में, ये हमें देखने को मिलता है जो स्कैन ड्राइव फॉर एरर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसे सॉल्व करने के लिए दो तरीका होता है और इस दो तरीके से हम कंफर्म करेंगे कि हमारा हार्ड डिस्क सच में खराब हो चुका है या कुछ पार्टीशन है जो कंप्यूटर उसे रिकवर कर पाएगा या कंप्यूटर उसे ठीक कर पाएगा। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इस दो तरीका को अपनाना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट तरीका होता है स्कैन डिस्क। तो हमें कंप्यूटर में जाने पड़ेगा, माय कंप्यूटर में या माय पीसी में। उसके बाद में जो आपका सी ड्राइव, उस पर राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर आना है। प्रॉपर्टी पर आने के बाद में टूल का ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर स्कैन करना है। स्कैन ड्राइव जो आता है उसे आपको स्कैन करना है। उसके नीचे में जो मैंने एक जो मेरा इसमें प्रॉब्लम नहीं है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिपेयरिंग डिस्क। तो रिपेयरिंग में होता क्या है कि कभी कभी जो है कंप्यूटर इसे रिपेयरिंग कर लेता है, कभी कभी कर नहीं पाता है। तो बेसिकली ये जब रिपेयरिंग ना हो पाता है या कंप्यूटर कर नहीं पाता है तो कहीं ना कहीं स्टेक हो जाता है जाकर, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जैसा कि ये कंप्यूटर में ऐसा कोई मसला नहीं था तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है, तो ये सॉल्व हो चुका है। और जब आपका लैपटॉप में रिपेयर का ऑप्शन रहता है, जब रिपेयरिंग आप करने जाते हो तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इधर में कुछ परसेंटेज में आके स्टेक हो जाता है। बेसिकली जो है ये काफी देर तक स्टेक हो जाता है, कभी कभी 4 घंटा 5 घंटा या पूरा दिन लग जाता है, मगर ये प्रॉब्लम को कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाता है। जब कोई ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है इसका मतलब ये है जो प्रॉब्लम है वो आपका जो लैपटॉप है उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने चाहूंगा कि इसका जो कुछ सेक्टर है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, कुछ परसेंटेज कुछ सेक्टर बैड सेक्टर का अंदर में आ चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए और एक तरीका है जो परमानेंट तरीका नहीं है मगर इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको और एक चीज दिखाऊंगा। तो उसके पहले हम और एक रिकन्फर्मेशन कर लेते हैं कि सच में क्या हमारा जो हार्ड ड्राइव है वो डैमेज हुआ है, कितना परसेंटेज तक डैमेज हुआ है, और हमें एक तरीका है जो हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पर जाना है, गूगल में आके इसको सर्च करना है, हार्ड ड्राइव SENTIANEL। उसके बाद में हमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। ये जो लिमिटेड है इस पर डाउनलोड पर हमें क्लिक करना है, और डाउनलोड पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड शुरू हो जाता है। कुछ टाइम लगता है डाउनलोडिंग होने में, जब डाउनलोडिंग कंप्लीट होते ही मैं आपको दिखाऊंगा। जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे ही कुछ आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा, इसे हमें ओके करना है, नेक्स्ट करना है, अग्री होना है और नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते ही जाना है और ये दोनों में टिक रखना है। फिलहाल मैं एक में कर रहा था तो दोनों में टिक करके नेक्स्ट कर देना है और ये अपलोडिंग होना शुरू हो, इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया। अब ये खुलने वाला है। हमारे पास लाइसेंस नहीं है इसका, मतलब ये फ्री वर्जन है। तो इसमें आप देख सकते हो जो हेल्थ कंडीशन है हार्ड ड्राइव का और कंप्यूटर का, वो इसमें ऑटोमेटिकली इसमें इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है आपको। और इसमें जो कितना ड्राइव है उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, CBDE। और आप देख सकते हो जो टेम्परेचर लेवल या परफॉर्मेंस लेवल आप देख सकते हो जो एक्सेलेंट दिखा रहा है। तो इधर में जो नीचे में आपको जो ग्रीन हाईलाइट दिखाई दे रहा है, ग्रीन हाईलाइट में आप देख सकते हो इधर में ये लिखा हुआ है कि कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद में अगर हमारा जो बैड सेक्टर है उसे हम कैसे पहचानेंगे और कैसे हम इसे ले करेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो है इधर में आके क्लिक करना है,
क्योंकि हमारा जो है फ्री वर्सन है, इसमें हमें दिखाएगा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत ये दिखा देता है। तो इस पर आके हमें सेलेक्ट कर, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो ये कुछ कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है, आप इधर में देख सकते हो। ओके, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आता है कि हम जो यूज कर रहे हैं वो फ्री वर्जन है, उस वजह से जो है हमें ये अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब स्कैन नहीं कर रहा है। तो इसमें जो है तीन पार्टीशन दिखा रहा है, एक कूट जो है ग्रीन में है और डैमेज जो है येलो में है और बेड सेक्टर जो है वो रेड में है। तो हमें इसका मदद से क्या करना है, ये कुछ जो पार्टीशन है बेड सेक्टर जो है इसे ब्लॉक करने में मदद करता है, इनफेक्ट इसे खत्म ना कर पाता है, इसे ब्लॉक कर देता है, कुछ परसेंटेज तक इसे ब्लॉक कर देता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो हड्डीज जो है उस पार्टीशन में काम करना बंद कर देता है, यानी कि स्कैन करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका जो हड्डीज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, इसका मतलब ये है कि इस ये जो हड्डीज है कुछ पार्टीशन को ब्लॉक करके इसे मैनेज किया जाता है, जस्ट मैनेज किया जाता है और प्रॉब्लम एक ही रहता है। इसके बावजूद भी ये फैलता है, मगर उतना जल्दी नहीं फैलता है जितना जल्दी नॉर्मल टाइम में फैलता था। परसेंट बाय परसेंट, मतलब परसेंटेज बाय परसेंटेज आपका डैमेज होते ही जाता है, उसके बाद में 100% में डैमेज हो जाता है। तो आपका अगर डाटा या आपका अगर इंफॉर्मेशन आपको डैमेज नहीं करना है तो आप जब भी ये प्रॉब्लम मसला देखते हो अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो बेटर ऑप्शन होता है कि न्यू हार्ड डिस्क ले लो, 500 GB का हुआ या 1 TB का, जो इजीली आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन में मिल जाता है। अगर आपको भी अपना हार्ड डिस्क चेंज करना है या नया हार्ड डिस्क खरीदना है तो मेरा जो पार्ट 2 का वीडियो है इसमें मैं लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखिए और कैसे हार्ड डिस्क चेंज किया जाता है अपने लैपटॉप में और कैसे नया हार्ड डिस्क खरीद के लाया जाता है या ऑनलाइन में ऑर्डर किया जाता है, इसके बारे में मैं फुल टू फुल डिटेल्स। कोई पार्ट अगर मुझसे मिसिंग हो चुका है तो आप मुझे कॉमेंट्स बॉक्स पर कॉमेंट्स कर पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूंगा पूरा को पूरा आपको बताने का। और थैंक यू सो मच, डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।